मोदी की राह आसान नहीं रहने वाली है। एक तरफ जहां बीजेपी के सीनियर नेता मोदी को बॉस मानने को तैयार नहीं है, वहीं मोदी को लेकर एनडीए के भीतर भी आम राय नहीं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे कहते हैं कि पीएम पद को लेकर एनडीए में कई भरोसेमंद चेहरे हैं। हालांकि आज सभी की नजरें उद्धव ठाकरे की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। नरेंद्र मोदी पर बीजेपी में महाभारत मची है। सूत्रों की माने तो सीनियर नेता मोदी को रिपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। यही वजह है कि मोदी की टीम के ऐलान का वक्त टलता रहा। मोदी पर बीजेपी के अंदर महाभारत जैसा आलम था तो एनडीए में भी विरोध नजर आ रहा है। सुनिए एनडीए के पार्टनर शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे किस तरह मोदी पर साफ बोलने से कतरा रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी आप ऐसे भरोसेमंद चेहरे दिखते हैं? आप चिंता ना करें, मैं और राजनाथ जी साथ में हैं। एक भरोसेमंद चेहरा और एक अच्छी मजबूत सरकार देने का वादा हमने किया। एक बार फिर मीडिया ने उद्धव से वही सवाल पूछा। इस बार फिर उद्धव ने मोदी की बजाय दूसरे भरोसेमंद चेहरों की बात की। भरोसेमंद नजर आती है आपको भरोसेमंद चेहरे? हमारे हमारे पास बहुत सारे लोग भरोसेमंद हैं। अब सुनिए कैसे इससे पहले उद्धव ने मंच से कहा था कि देश में कोई भी भरोसेमंद चेहरा नहीं है। मजबूत सरकार की आवश्यकता है और देश को एक भरोसेमंद चेहरे की आवश्यकता है। मेरे देश का नेता कौन है? आता है कोई पॉलिटिकल कोई चेहरा आपको सामने आता है कि अरे ये मेरे देश का नेता है? नहीं, कोई नहीं। देश का नेता कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उद्धव के तेवर पर राजनाथ ने चुप्पी साध ली और मीडिया को नजरअंदाज कर निकल गए। ये भी बहुत कुछ कहता है। यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। एनडीए में भी सहमति बना पाना मोदी के लिए आसान नहीं है। सीधे रुख करेंगे मनीष अवस्थी का ही, जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ये माना जा सकता है कि शिवसेना अध्यक्ष अपने पत्ते खोल देंगे पीएम उम्मीदवार को लेकर? क्योंकि कल तो भरोसेमंद चेहरे को लेकर एक ही दिन में दो अलग अलग बयान उनकी ओर से दिए गए। देखिए, जहां तक शिवसेना की बात है तो इसमें कई बार विरोधाभास देखा गया है। जब मोदी जाकर मिल लेते हैं तो मोदी की तारीफ कर देते हैं, कई बार अपने लेख के जरिए उद्धव ठाकरे ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो इस नाम से उन्हें परहेज है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। शिवसेना अपना स्टैंड साफ इसलिए भी नहीं कर पा रही है कि शिवसेना की अपनी घर में सेंध है। उनके अपने भाई राज ठाकरे उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है महाराष्ट्र में। तो ऐसी स्थिति में वो आकलन करते रहते हैं। अगर आपको याद होगा, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उनके मरहूम पिता बालासाहेब ठाकरे ने सुषमा स्वराज आज की तारीफ की थी। तो ये खुलकर कोई भी बात या कोई भी पत्ते मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे, जितना मैं उद्धव ठाकरे को जानता हूं, वो आज खोलेंगे। लेकिन हां, इतना जरूर वो बताना चाहेंगे कि भाई शिवसेना का जो गठबंधन है, दो दशक पुराना गठबंधन जो बीजेपी के साथ है, वो अभी मजबूत है। कल उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की, सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इन मुलाकात के कई मायने निकाले जा सकते हैं। कई देर तक बातचीत हुई है। इसमें उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी ये बताना चाहते हैं कि मोदी के नाम से वो खुद को दूर रख रहे हैं। उनका ये बयान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चित्रा, जब वो ये कहते हैं कि एनडीए में कई भरोसेमंद चेहरे हैं, यानी कि जब वो ये जानते हैं कि बीजेपी उन्हें नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बना चुकी है, ऐसी स्थिति में भी वो बीजेपी के उस चेहरे पर अपनी मोहर लगाने को तैयार नहीं, तो कहीं ना कहीं खींचतान जरूर है। और यही खींचतान है जिसके चलते वो आडवाणी के घर भी जाते हैं और सुषमा स्वराज से भी मिलते हैं। अपने पिता की वो इच्छा कि भाई सुषमा स्वराज को प्रधानमंत्री होना है, उनके दिमाग में इस तरह की बहुत सारी सोच है जो घर कर गई है और उसी को लेकर वो अपना जो रुख है वो साफ नहीं कर पा रहे। देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे को जितना मैं जानता हूं, वो इस बात पर कोई भी अपना पत्ता नहीं खोलेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। दरअसल दिक्कत इस बात की भी है कि किसी एक लाइन को पकड़कर वो आगे नहीं बढ़ते हैं और इसी वजह से सवाल बना रहता है कि क्या वो आज अपने पत्ते खोलेंगे, और अगर खोल भी देते हैं तो कल को पलट जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनीष, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो खबरों का सिलसिला इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है। आज के एजेंडे में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर। आप कहीं मत जाएं।